सामने MT15 बाइक 2.0 वर्जन, ठीक है। तो अगर बात की जाए USD फोक और साथ में टेलीस्कोपिक सोकर, तो उसमें देखने को नहीं मिलते हैं, पर जो USD फोक है ना, अपसाइड डाउन फोक, ये ना गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा यूनिकनेस दे देते हैं, एक अलग ही लुक स्पोर्ट वाला। बाकी इस पूरी बाइक में अगर बात की जाए तो बहुत ही अलग अलग स्पोर्टी टाइप का लुक देखने को मिल रहा है। पर अगर बात की जाए प्राइस की, तो एक एक्स शोरूम जो प्राइस है 1,71,200 रुपीज़ के आसपास का एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिल जाता है भाई दिल्ली स्टेट में। अगर बात की जाए थोड़ी और गहराई की, तो भैया डिटेल में जानते हैं और समझते हैं इस गाड़ी के बारे में। है ट्यूबलेस टायर 180-17 नंबर के, डबल पिस्टन में हाइट आपको देखने को मिल जाएगा कैलीपर, और साथ में थोड़ा सा यूपर की तरफ अगर USD फोक की बात करें तो भाई अपसाइड डाउन में फोक देखने को मिल जाते हैं। एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड दोनों ही इंजन इसमें देखने को मिल जाते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको आगे। बट अगर बात की जाए तो ABS सिस्टम इसमें दे रखा है, छोटी सी प्लेट और साथ में सेंसर वाली वायर। और अगर बात की जाए तो डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले काफ़ी हैवी है, आगे का टायर भी काफ़ी हैवी लग रहा है। मरगार्ड की अगर बात की जाए, मरगार्ड की क्वालिटी भी बहुत प्यारी सी लग रही है, ब्लैक कलर का शाइन में मरगार्ड है, और छोटी छोटी बॉडी के अंदर जो अलग मैट फिनिश दे रखे ना कंपनी ने, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। गोल्डन कलर के सोकर एक इसको काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं, और अगर बात की जाए थोड़ा सा अट्रैक्शन दे रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा यूनिकनेस की ओर अगर बात की जाए, तो इसकी बात करता हूँ मैं हेडलाइट की, तो भाई हेडलाइट इसके अंदर यहाँ देखने को मिलता है DRL, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, एक तरीके से हेडलाइट वाला काम करेंगे। और यहाँ पे है प्रोजेक्टर लैंप, जो प्रॉपर बंदे ने डेडिकेटेड दे रखा है देखने को, मतलब कंपनी ने डेडिकेटेड कर रखा है। और अगर थोड़े से इधर की बात हो तो भाई जाली दे रखी है अंदर एयर के लिए, और इधर भी जाली देखने को मिल जाएगी आपको एयर के लिए। उसके अलावा इंडिकेटर्स में LED नहीं देखने को मिलता, नॉर्मल LED इंडिकेटर, नॉर्मल इंडिकेटर मिलते हैं जो FZ वाले मिलते हैं, इंडिकेटर R15 वाले मिलते हैं, और थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल इंडिकेटर है। डुअल एक्सेलरेटर केबल के साथ मास्टर सिलेंडर देखने को मिल जाता है, साइड मिरर वही सिंपल सा साइड मिरर है जैसे कि इसमें देखने को मिल रहे हैं, बट उस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं थोड़ा सा साइड के लुक की। और अगर बात की जाए साइड के लुक की, तो भैया साइड का लुक तो बवाल है, ये हमारा साइड का लुक है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा सोकर जो है ऊपर दे रखें, अगर चाहो तो हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हो। बट अगर बात की जाए साइड के लुक की, तो यहाँ पर इसकी वायरिंग की हारन, भाई साहब क्या क्वालिटी है, यामा की क्वालिटी एक नंबर लगती है मुझे, मैं अपना पर्सनली ओपिनियन दूँ तो। एक तो इसकी क्वालिटी में जो एक इंप्रूवमेंट देती है ना कंपनी, एकदम यूनिक देती है, प्लस जो इसके अंदर एक लुक मिलता है ना, यामा का लुक एक ट्रांसफॉर्मर्स टाइप के लुक मिलता है, जैसे रोबोटिक लुक नहीं होता वैसा लुक मिलता है, बिल्कुल नेकेड कर दिया इन्होंने। वैसे इंजन की अगर बात की तो भाई ये जो इंजन है 155 cc का है, R15 वाला इंजन है, जो कि पहले R15 का मॉडल आपको देखने को मिलता था ना, वही सेम इंजन है, अपडेट करके दिया है कंपनी ने, एयर कूल्ड इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि भाई यहाँ पे इन्होंने कोई भी वाइजर वाला सिस्टम नहीं दिया है, बिल्कुल ओपन इंजन है, और जो भी इंजन ओपन होता है वो ऑटोमेटिकली एयर कूल्ड हो जाता है। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो लिक्विड कूल्ड इंजन है इसके अंदर, ये देखो लिक्विड दे रखा है, ऑयल कूलेंट दे रखा है यहाँ पर, इसको और ज़्यादा एयर कूल्ड ये बनाता कि यहाँ पे जब खाने होते हैं ऐसे करके, तो प्लेन इंजन है तो हो सकता है कंपनी की अलग अपनी अपनी टेक्नोलॉजी होती है, बट मैं इसे एयर कूल्ड ही बोलूँगा क्योंकि नेकेड है एकदम, बिल्कुल नेकेड जिसे कहते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो थोड़ा सा पीछे की तरफ साइड स्टैंड में इसमें फुटर्स मिल जाता है देखने को, साइड स्टैंड के अंदर सेंसर मिल जाता है देखने को, और फुटर्स इसका बिल्कुल प्रॉपर एल्यूमिनियम की फ्रेम का है, ट्रिपलिंग में इसका आपको गेलीवर देखने को मिल जाता है। छोटा सा और अगर पीछे की तरफ आए तो भाई सिंगल सोकर रियर साइड में, और साथ में आपको देखने को मिलता है येलो कलर की स्प्रिंग, मेरे ख्याल से इसमें एडजस्टमेंट सिस्टम नहीं है या फिर है, एक बार आप कमेंट करके बताना जरूर मेरे को। उसके अलावा अगर ये चीज़ थोड़ी सी और जो है ना मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि जब आप गाड़ी रोड पर चला रहे हो पीछे कोई बंदा बैठा तो यहाँ पे ना पीछे पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है सपोर्ट, तो कंपनी ने इसका ध्यान देते हुए यहाँ पर ये अलग से सीट रेस्ट बनाया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है देखने में, और इसको भी एक तरीके से सेफ कर रहा है, एक तरीके से एसेसरीज मैं कह सकता हूँ इसको, सेफ्टी गार्ड, ठीक है। उसके अलावा अगर मरगार्ड की बात करें तो काफ़ी लंबा मरगार्ड और काफ़ी ज़्यादा लोहे का जो फ्रेम है इसमें दे रखा है, इंडिकेटर वही सिमिलर है, पीछे पार्किंग वो दे रखी है, नंबर प्लेट लाइट और दो रिफ्लेक्टर हैं, मेरे ख्याल से रिफ्लेक्टर FZ सीरीज़ में भी आते हैं। ट्यूबलेस टायर है, अगर टायर के साइज़ की बात की जाए तो भाई टायर का साइज़ कितना है अपना है, टायर का 140-70-17 नंबर का टायर है, काफ़ी बड़ा चेन कवर है, मतलब काफ़ी बड़ा जो चेन का पॉकेट है काफ़ी बड़ा है, और रियर डिस्क ब्रेक साथ में देखने को मिलती है, साथ में आपको मिलता है ABS सिस्टम, तो ये भी बहुत अच्छी बात है भाई। और अगर उस साइड के लुक की बात करें तो यहाँ पर यूमर गार्ड देखने को मिल जाएगा इस साइड की तरफ, और अगर बात की स्विंग आर्म की तो भाई स्विंग आर्म काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है एल्यूमिनियम की फ्रेम में है, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना बाकी मुझे। उसके अलावा अगर बात की जाए पूरी मैट फिनिशिंग के साथ, अगर पीछे की तरफ अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पर है ब्रेक ऑयल की डिब्बी, जो कि बहुत प्यारी सी क्यूटी सी लग रही है, साइड कवर इसमें देखने को नहीं मिलता है, पूरा कंप्लीट काउल देखने को मिल रहा है, जो कि साइड कवर को भी कवर कर रहा है, मतलब एक तरीके से काउल है, काउल के पीछे पीछे साइड कवर आ रहा है, और ये एलंकी बोल्ट एकदम प्यारे से लग रहे हैं, MT की लोग मार्किंग देखने को मिल जाती है यहाँ पर हमें। और पीछे की तरफ अगर आप आए तो यहाँ पर कंप्लीटली R15 का फील दे देती है गाड़ी, है देख रहे हो R15 का पूरा फील आ रहा है यहाँ पर, पूरा R15 का फील आ रहा है। ये जो है ऑयल फिल्टर की कैप है, और ये है हमारा
आपकी गाड़ी का जो इंजन होता है उसका कवर, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मुझे थोड़ी सी सही लग रही है देखा जाए तो। नेगेट के मामले में ग्राउंड क्लियरेंस पहले वाली गाड़ी की कम थी R15 की, बट इसके इंजन की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी ज़्यादा लग रही है R15 के मुकाबले में। एक बार आप गूगल भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर बात की जाए तो भाई एक बार इसके साइलेंसर का आवाज़ सुन लेते हैं और इसकी हेडलाइट और इसके मीटर की फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो भाई चाबी हमने ऑन कर ली है, मीटर की लाइट कुछ इस प्रकार आ रही है, काफ़ी ज़्यादा धूल लग गई है, इस पर साफ कर लेते हैं। कर दी। तो भाई अगर हाइट की बात की जाए, मेरी हाइट है ना 5'11" है, 5.11 फीट मेरी हाइट है, 5'11" ही। अगर मैं अपनी हाइट के बारे में बात करूँ तो भाई ये हाइट थोड़ी सी गाड़ी ना ऊँची है। अगर मैं FZ सीरीज़ के बारे में बात करूँ ना तो FZ सीरीज़ के मुकाबले ये गाड़ी थोड़ी ज़्यादा ऊँची लग रही है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी ऐसी गाड़ी पर बैठा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, हिमालयन का फील दिला रही है मुझे। और अगर मैं नॉर्मल वे में बात करूँ तो मेरे पैर ना हल्के से ऊपर उठे हुए हैं, देख रहा हूँ ये हल्के से ऊपर उठे हैं, मेरे पैर नीचे नहीं जा रहे। अगर मैं नीचे करने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा मुझे जोर लगाना पड़ रहा है। अगर मैं फील की बात करूँ गाड़ी की तो ये फील जो है ना ऐसा मिल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं मिल रहा और ना ही ऐसा मिल रहा है, नॉर्मल फील ऐसा मिल रहा है, कुछ इस तरीके से मिल रहा है। हाथ एकदम स्ट्रेट है मेरे, ठीक है, ऐसा लुक नहीं दे रहे, एकदम स्ट्रेट दे रहे हैं हाथ। और अगर बात की जाए तो मैं अगर अपनी हाइट की बात करूँ ना 5.11 हीट के हिसाब से मेरे हिसाब से तो ठीक लग रही है मुझे गाड़ी, बट मुझे लग रहा है जिसकी हाइट कम होगी ना उसे गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। और अगर बात की जाए तो भाई एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, सीटिंग पोस्चर अगर यहाँ की बात करें, ये चुभ रहा है, ये वाला पोस्चर देखो, ये चुभ रहा है, ये सॉफ्ट नहीं है, सीटिंग पोस्चर काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रहा है मुझे। थोड़ा सा और सॉफ्ट होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, मैं सही बताऊँ तो मुझे मतलब इसमें मज़ा नहीं आया, मैं सही बताऊँ बिल्कुल भी मुझे इसमें सीटिंग पोस्चर में मुझे मज़ा नहीं आया पर्सनली। बाकी एक लॉन्ग राइड पर बंदा इसका पिछवाड़े को लेकर दुखी होगा ही होगा, ठीक है। एक बार आप मुझे कमेंट करके जो बताना कि अगर आपका बजट 1,71,200 रुपीज़ के आसपास का है, एक्स शोरूम प्राइस इसका है, मतलब वही मान लो 2 लाख के आसपास की पड़ेगी जहाँ तक मुझे लगता है ऑन रोड प्राइस, एक अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, आपके स्टेट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा मुझे नहीं पता, एक बार पता कर लेना। बाकी आपको ये गाड़ी कैसी लगी एक बार कमेंट कर बताना, आपका खुद का ओपिनियन क्या है और इसमें कौन सी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी है। मैम पर्सनली मुझे तो भाई आगे का पोस्चर जो है बहुत प्यारा लगा है, आगे का फोर्क मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा है इस पूरी बाइक के अंदर। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बाकी इसको देख लो आप, इसमें पूरी कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी।